अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। आज फिरोजाबाद एसएसपी अशोक कुमार ने थाना उत्तर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऑफिस और रजिस्टरों को चेक किया। वहीं मीडिया को बताया कि आज उन्होंने यहां का निरीक्षण किया तो पाया कि रखरखाव ठीक नहीं है एवं बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है, जल्दी ही इसको शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही बताया कि यहां वाहन बहुत है, जिसको लेकर कहा है कि किस तरह से इनको डिस्पोज किया जाए क्योंकि सरकारी धन की क्षति हो रही है। वहीं बताया रजिस्टरों का रखरखाव ठीक है और काम भी ठीक है, बाकी कुछ प्रार्थना पत्र लंबित है, उसके लिए निर्देशित किया है, आगे फिर देखेंगे जो अन्य सुधार होंगे उनके लिए। इस तरह से उन्होंने निरीक्षण किया जिसके बारे में विस्तार से बताया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। आज इस थाने का निरीक्षण वगैरह किया गया है। थाने का रखरखाव ठीक नहीं है, इस तरह से भी ये थाना शिफ्ट होने वाला है। बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है, ये विदिन अ फोर्टनाइट आई होप कि ये शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कमी मुझे दिखाई पड़ी जो वाहन बहुत खड़े हैं यहाँ पे, तो इनको मैंने बताया है कि सुरेंद्र भरे बनाम गुजरात का एक ऑर्डर है जिसके तहत पंचनामा करके इन सारे माल को हम डिस्पोज कर सकते हैं। सरकारी धन की क्षति हो रही है, रात को उसमें पैसा जमा हो जाएगा और ये वाहन जो सड़ रहे हैं ये सदुपयोग किया जा सकेगा इनका। बाकी ठीक है इनका, मतलब रजिस्टरों का रखरखाव ठीक है, काम ठीक है, प्रार्थना पत्र की जांचें कुछ लंबित हैं, कुछ की क्वालिटी ठीक नहीं है, टर्कआउट टाइप का है, कोई इनको हिदायत की गई है। अब इसको दोबारा से कोशिश फिर करेंगे, जब आएंगे तो लोग उम्मीदें सुधार करेंगे।